नई मुंबई में वंचित बहुजन आघाड़ी का किसानों के समर्थन में आंदोलन, मोदी सरकार से किसानों के हित में कानून वापस लेने की मांग। किसान बाग आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान बाग आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रकाश अम्बेडकर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में आज नई मुंबई के वाशी शिवाजी चौक पर वंचित बहुजन आघाड़ी ने प्रदर्शन किया। इस मौके पर वंचित बहुजन आघाड़ी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि यह सरकार किसानों के हित को ताक पर रखकर अडानी अंबानी के हित में काम कर रही है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी, तब तक वंचित बहुजन आघाड़ी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे वंचित बहुजन आघाड़ी के बेलापुर जिला अध्यक्ष नयनेश कटके ने कहा कि सरकार ने काले कानून चोर रास्ते से पास किए हैं। सरकार को चाहिए कि ये कानून वापस लेकर किसानों के हित में किसानों के साथ चर्चा करके नए कानून बनाए जिससे किसानों का फायदा हो और हमारे देश का किसान समृद्ध बने। बोलते आम्ही तुमचं बिल पास करू, पण ते आम्हाला दाखवा, पहिले आम्हाला दाखवा त्यामध्ये लिहिलंय काय, तुम्ही परस्पर पास करणार एक होईल का, तुम्ही त्या बिलमध्ये काही लिहाल आणि तुम्ही पास करा, ते चुकीचं आहे। तुम्ही पहिले आम्हाला दाखवा बिलमध्ये तुम्ही काय लिहिलं आहे, काय नाही आहे, शेतकरी समर्थनमध्ये तुम्ही काय काय कायदे लिहिले आहेत, काय काय पॉईंट्स राखलेले आहेत, हे पहिले दाखवा, सर्व दाखवा आणि त्यामध्ये आम्ही सर्व समर्थन द्यायला तयार आहे। बीच चाली को ट्रैक्टर रैली हुआ, उसके ऊपर दमनशाही हो गई, दमनशाही के खिलाफ और जो MSP है, किसानों को MSP मिलना चाहिए, इसलिए वहाँ पे आंदोलन चल रहा है। बड़े पैमाने पे वहाँ पे किसान लोग आ रहे हैं, तो किसानों को सपोर्ट देने के लिए ये किसान बाग आंदोलन रखा है। MSP देने को तैयार नहीं है, MSP को और उसको एक्ट बनाना चाहिए, क्योंकि कानून नहीं मानता, बनाना चाहती है वो, खाली ओरली बोलते हैं, उसको रिटर्न में आना चाहिए। रिटर्न में आके अगर कानून बनता है तो लोग तैयार है। कितने बार जो शेतकरी के लोग नेता है उन्होंने बोला है कि MSP दे दो, रिटर्न में दे दो, कानून बनाओ, कानून बनाएगा तो हम लोग तैयार है, लेकिन कानून बनाना नहीं चाहते इन लोग। इन लोग बोलते हम ओरली बोलेंगे, कितने धोखा दिया है ये केंद्र सरकार ने, कितना धोखा। बहुजन आघाड़ी की तरफ से जो आंदोलन किया है वो बाला साहेब अम्बेडकर उनके आदेश के अनुसार हम लोग ने आज किसान बाग आंदोलन को उनके पीछे हम लोग बहुजन आघाड़ी पीछे पूरा पूरी तरह हम लोग खड़े रहेंगे, क्योंकि आज जो हम किसानों के लिए नहीं लड़ेंगे तो हम लोग क्या खाएंगे क्या पिएंगे। वंचित बहुजन आघाड़ी के नेताओं ने सवाल खड़ा किया कि सरकार MSP को कानूनी गारंटी देने से पीछे क्यों हट रही है, अगर सरकार MSP को कानूनी गारंटी दे देती है तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TVN इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।